कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया के काफी पुराने पुराने कॉइन जो कि आपने कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे। मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था ऑल्ट करेंसी वाले में, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और देखते रहिए लास्ट तक। हम स्टार्ट करते हैं एक के कॉइन से। ये 1985 का है, जो पहले चलते तब तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं ये वाले, देख सकते हैं आप, काफ़ी रेयर कंडीशन में है मेरे पास। दूसरा कॉइन है 5 रुपीज़ का, देख सकते हैं 2008 में लॉन्च हुआ था। ये नकली सा लगता है एकदम देखने में, बिल्कुल सिल्वर के 10 पैसे हैं, 1973 में लॉन्च हुए थे, देख सकते हैं आप। काफ़ी हल्का वेट इसका दोस्तों, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का वेट इसका। ये 3 पैसे हैं दोस्तों, 1968 में लॉन्च हुए थे, काफ़ी हल्का वेट है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं मिलता अब देखने को, बहुत ही हल्का है ये। तो मैं दूसरे दिखाता हूँ अब, 5 पैसे हैं, ये तो नॉर्मल सा है लेकिन बहुत ही हल्का वेट है, बहुत ज़्यादा हल्का। इस पर लिख तो नहीं रहा कौन से सन में बना था, ये लिख रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मिट गया है शायद। ये 1986 में लॉन्च हुआ था, ये 25 पैसे हैं दोस्तों। ये गिलेट का कॉइन है, जैसे नॉर्मल कॉइन होते हैं आज के ऐसा है, जैसे पहले बनते थे सिल्वर के ऐसा नहीं है, ये उस टाइम में बना था, 1986 में बना था। ये 10 पैसे हैं लेकिन ये सिल्वर के हैं, वो अलग है, ये अलग है, वो गिलेट का है, ये सिल्वर का है, देख सकते हैं आप। तो ये भी गिलेट का है, 25 पैसे, पीछे इसके गेंडा बना है। ये 1988 में लॉन्च हुआ था, अब तो नहीं चलता ये, ना देखने को मिलता ज़्यादा, देख सकते हैं ये 50 पैसे हैं। इसका एक का और दो का कॉइन भी आता है, ये 2010 में लॉन्च हुआ था, देख सकते हैं आप, 50 पैसे कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को। ये दो के कॉइन है लेकिन अलग अलग है बिल्कुल, एक काफ़ी बड़ा है एक काफ़ी छोटा है, और इनकी शेप भी अलग अलग है दोस्तों, देख सकते हैं आप पीछे से। एक 1982 में बनाया है और एक 1996 में बनाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये एक का कॉइन काफ़ी अलग है, अब नहीं मिलेगा आपको देखने को। ये 1988 में लॉन्च हुआ था शायद, इसके पीछे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। 50 पैसे हैं, 1985 में बने थे, ये ग्लट के हैं, जो आज के नॉर्मल कॉइन आते हैं उनकी तरह हैं ये बिल्कुल, देख सकते हैं आप। ये 20 पैसे हैं, 1986 में लॉन्च हुए थे, लेकिन दोस्तों ये भी सिल्वर का है, ये ग्लट का नहीं है, आज के नॉर्मल कॉइन की तरह नहीं है, ये पहले बनते थे अब तो नहीं बनते। ये 20 पैसे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये 1976 में लॉन्च हुआ था शायद, और ये काफ़ी बिग कॉइन है, बड़ा है काफ़ी साइज इसका, ये देखने में छोटा लग रहा है आपको लेकिन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेट है इसके अंदर। 50 पैसे हैं ग्लट में, इसके 25 पैसे पे तो गेंडा बना हुआ था, इस पर इंडिया का मैप है और पार्लियामेंट बना रखा है, 1989 में लॉन्च हुआ था ये, देख सकते हैं आप, अब नहीं मिलेगा आपको देखने को ये आसानी से। एक का कॉइन है, इस पर पीछे जवाहरलाल नेहरू बना रखे हैं, 1989 में लॉन्च हुआ था ये, देख सकते हैं आप। एक का कॉइन है, ब्लैक कलर का है शायद, इस पे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बना रखे हैं, ये 1990 में लॉन्च हुआ था, ये ब्लैक कलर का है, ये पता नहीं इसका कलर ब्लैक हो गया, मुझे तो नहीं पता लेकिन मेरे पास तो ऐसी है शुरू से ये। एक का कॉइन, ये अभी लॉन्च हुआ है, पहले से काफ़ी छोटा बना दिया है, पहले का तो बड़ा होता था लेकिन अब तो बिल्कुल छोटा कर दिया है एक का कॉइन। ये आप 2011 में लॉन्च हुआ है, ये 50 पैसे, जब शायद चलते भी नहीं थे ये, जब लॉन्च हुआ है देख सकते हैं आप। तो ये 10 पैसे हैं, 1991 में लॉन्च हुआ था, काफ़ी छोटा है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा सही से, बहुत ही छोटा कॉइन है ये दोस्तों, पीछे से सेम है और कॉइनों की तरह, आगे से देख सकते हैं आप कितना छोटा है दोस्तों। ये 5 का कॉइन है, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है, आपको नहीं लगेगा ये बड़ा लेकिन मुझे पता है कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, देख सकते हैं आप, पीछे इंदिरा गांधी बनी हुई है। एक और है 5 का कॉइन, इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा साइज़ है लेकिन इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा कॉइन है ये दोस्तों। ये है नया पैसा है, रुपये का 100वां भाग लिख रहा है इस पर, 1960 में लॉन्च हुआ था, काफ़ी छोटा कॉइन है, बिल्कुल छोटा है, ये पता नहीं मुझे किस चीज़ का बना हुआ है, ये ठीक तरह है लेकिन उसका कलर अलग था, वो अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये अलग मटेरियल का बना हुआ है। ये 1963 में लॉन्च हुआ था, देख सकते हैं आप, लेकिन ये उससे रेयर कंडीशन में है काफ़ी, वो तो इतनी अच्छी कंडीशन में है जितनी अच्छी कंडीशन में है, देख सकते हैं आप। अभी 2 का कॉइन अभी लॉन्च हुआ है, काफ़ी कम टाइम हुआ है लॉन्च हुए हुए, ये भी पहले छोटा बना दिया, पहले जैसे 1 का कॉइन आता था उसकी तरह बना दिया है 2 का, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये अलग मटेरियल में है, 20 पैसे, 1970 में लॉन्च हुआ था, इस पर कमल का फूल बना रखा है शायद, हाँ वो ही है, पीछे से तो और कॉइनों की तरह है नॉर्मल लेकिन आगे से देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत है ये। एक ये 1954 में लॉन्च हुआ था, पता नहीं इस पर क्या लिख रहा है साफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है इसकी, पीछे तो और कॉइनों की तरह नॉर्मल है
लेकिन आगे इसके घोड़ा बना रखा है शायद भागता हुआ। एक और 20 पैसे लेकिन अलग है बिल्कुल, ये 1970 में लॉन्च हुए थे। पीछे और नॉर्मल कॉइनों की तरह आगे से उसकी तरह है, कमल का फूल बना रखा है। वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था जितनी अच्छी कंडीशन में ये है। एक और 20 पैसे ये अलग है, वो अलग थे। पीछे इसके गांधी जी बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है मेरे पास। तो ये 1/4 आना इंडिया 1940 का है, ब्रिटिश टाइम का, जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, जब का कोई नहीं है। देख सकते हैं आप पीछे इसके जॉर्ज 6 बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। कोई नहीं है, ये है ब्रिटिश टाइम का, लेकिन ये 1800 के टाइम का कॉइन है। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है ये, देख सकते हैं आप। एक और 1/4 आना 1939 का बना हुआ है। इस पर भी जॉर्ज 6 बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, ब्रिटिश टाइम का कॉइन है ये भी। ये है 1 आना जो इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले ही बनाए गए थे ब्रिटिश टाइम में, देख सकते हैं आप। सब कुछ मिट चुका है, बस आगे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है 1 आना लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी पुराना कॉइन है, 114 साल पुराना कॉइन है ये, 1910 में बना हुआ है। 1/4 रुपी इंडिया, उर्दू में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन देख सकते हैं आप काफ़ी छोटा कॉइन है दोस्तों, और काफ़ी खूबसूरत कॉइन है। ऊपर इसके देखिए पता नहीं क्या बना रखा है, मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, साइड में फूल वूल वगैरह बना रखे हैं। काफ़ी खूबसूरत कॉइन है ये, देखिए काफ़ी अलग कॉइन है, 1944 का है, 1 पैसे, ब्रिटिश टाइम के ये भी दोस्तों, देख सकते हैं आप। आगे से सिंपल है, जैसे क्वार्टर आना पे था वही डिज़ाइन आगे, लेकिन पीछे देखिए आप, आर पार दिख सकता है बिल्कुल इसमें। काफ़ी अच्छा कॉइन है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये मेरा कलेक्शन है ओल्ड कॉइन्स का दोस्तों। ये मेरे पे एक एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दिखाता हूँ मैं कितने हैं मेरे पास दोस्तों, ये रहे, ये आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये मेरा ओल्ड करेंसी का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये था मेरा ओल्ड करेंसी कॉइन कलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और देखते रहिए मिस्टर ब्लॉगर।